वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25 जो कि है फर्स्ट ऑफ सितंबर की जिसके जिसके अंदर अंदर हम हम आज देखने वाले हैं सोशल साइंस की जो जिसके जो वर्कशीट ज्योग्राफी हमारा टॉपिक है जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे पहले हम देख रहे हैं इसको इंग्लिश में और फिर हम देखेंगे हिंदी में और उसके बाद हम चलेंगे अपनी इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ आज का जो हमारा जो टॉपिक है सोशल साइंस जोग्राफी में वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो कुछ चीजें बनाने के लिए काम करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप क्या करते हैं एक रॉ मटेरियल लेते हैं और उसकी मदद से उसकी uh, मदद से और ज्यादा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं अगर आप इसको डेली लाइफ में समझने की कोशिश करें आपने मिल्क लिया मिल्क की मदद से आपने क्या बनाया पनीर और पनीर या घी बना लिया तो आप रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका दूध और उसकी मदद से आपने और एक वेल्यूबल प्रोडक्ट बना लिया जो कि हो गया पनीर या घी तो ये आपके घर में भी ये चीजें चलती रहती हैं आपने वुड लिया वुड की मदद से आपने फर्नीचर बना दिया वुड इतनी महंगी नहीं बिकती जितनी महंगा फर्नीचर बिकता है तो इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल को और भी ज्यादा वेल्युबल प्रोडक्ट्स बना के बेचती हैं डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड तो ये भी हमने डिस्कस करा वुड से ही पेपर बनता है पेपर ज्यादा महंगा बिकता है शुगर फ्रॉम शुगर केन सेम आपको पता है आयरन फ्रॉम आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बक्सेट तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं जो जो इसके क्या है रॉ मटेरियल है तो यहाँ पर शुगर का जो रॉ मटेरियल है शुगर केन इसी तरीके से एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है वो बक्सेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन माना जाता है ऐसा क्यों माना जाता है आप खुद समझ सकते हैं अगर चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो आप कंज्यूम कैसे करेंगे तो इसी तरीके से इकोनॉमी एक, का क्या है वो एक बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं तो ये तीन रीजन यहां पे दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर का मतलब हो गया आप पहले हाथों से हर चीज करते थे आज मशीन है करेंगे कौन करेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करेंगी ज्यादा अच्छे टूल्स बनाएंगे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होगी तो हम और अच्छे ढंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग नहीं है कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब so, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर जॉब मिलेगी तो और एक पॉइंट आ गया जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं पॉवर्टी इराडिकेट कर सकते हैं इराडिकेट का मतलब होता है खत्म कर सकते हैं एलिमिनेट तो जो कि हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज अब जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हम बाहर के देश वालों को भी हम एक्सपोर्ट uh, कर सकते हैं एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इंडिया से बाहर ले जाना तो अगर जितना ज्यादा हम बाहर लेके जा पाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया ज्यादा बाहर का पैसा हमारे पास आएगा जिससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी कंट्रीज दैट ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर जो जो देश जो देश ऐसी चीज कर पाते हैं जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स का मतलब हो गया और वैल्यूएबल गुड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर होते हैं प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो गया ज्यादा ही इकोनॉमिकली uh, इकोनमिकली वेलवर्स होते हैं उनके पास ज्यादा अच्छे तरीके से लाइवलीहुड होती है इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल हम जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे तो पहले अब इनके इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं वाइल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन सम केसेस दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो ये किस तरीके से है देखो मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रॉ uh, मटेरियल चाहिए होता है उनको बनाने के लिए तो रॉ मटीरियल कहाँ से आता है एग्रीकल्चर से आता है लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर भी मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है वो कैसे तो देखे जैसे जैसे हमें अगर ज्यादा एग्रीकल्चर अच्छे ढंग से ग्रो करना है हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए मशीन्स चाहिए होंगी मशीन्स तो क्या बन कहा से आती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती हैं तो यही चीज हमने यहाँ पर आंसर में लिख दी है तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इकॉनमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिव टू रीजन यहाँ पे ऊपर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे उन्होंने तीन रीजन दे रखे हैं तो हम यहाँ से लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल से लेकर ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं इन तीन में से आप कोई भी दो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो हाई पार्ट है ये आपका आंसर नंबर टू हो गया आंसर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं नेम एनी फाइव आइटम्स यू यूज इन योर लाइफ दैट आर प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बनाए हुए बहुत सारे आइटम्स हैं आपके हाथ में जो फोन है लैपटॉप है वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाया हुआ है तो आप कोई भी पांच आइटम अपनी डेली लाइफ से आप लिख सकते हैं मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ पांच आइटम यहाँ पे है पेपर हो गया शुगर हो गया आप खाते हैं शुगर के साथ आप बहुत सारी चीजें नमक हो गई यहाँ पे आयरन हो गया स्टील हो गया और साथ ही साथ एल्यूमिनियम तो ये जो वर्कशीट में जो चीजें दे रखी थी मैंने वो भी मार्क कर दी है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया है कि और आप अपनी डेली लाइफ से कैसे पांच आइटम ढूंढ सकते हैं तो आप आसपास देखें पांच आइटम बहुत ही आराम से मिल जाएंगी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ विच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और अराउंड योर सिटी तो देखिए आप जहां पे बैठे हैं इस समय वहां पर आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको आसपास दिख जाएंगी दिल्ली के अगर आस पास देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ऑलरेडी तो वहां से आप कोई भी पांच इंडस्ट्री लिख सकते हैं हम आपके लिए यहाँ पे पांच एग्जाम्पल दिखा देते हैं अभी तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं पांच चार पांच आपको हमने यहाँ पे दिखा दी है यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया था तो हमने दिखा दिया मारुति सुजी की हो गया हीरो मोटो हो गया टाटा स्टील एम तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आसपास आपको दिखाई दी जाएंगी बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी हैं तो आप अपने आसपास देख सकते हैं आई चलते हैं इसी वर्कशीट को हम देख लेते हैं अब हिंदी में तो अ इसके अंदर भी हम सेम ही चीज़ देखने वाले हैं हमने एक्सप्लेन कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग को जो हम बोलते हैं वी निर्माण उद्योग तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ वी निर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है वहीं कृषि के विकास में सहयोग भी करता है तो आपने ये एक्सप्लेन हमने कर ही दिया है आइए चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसको सुने क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन उसके अंदर हिंदी में ही दिया है तो ये आपका आंसर हो गया answer number one. तो आइए चलते हैं आंसर नंबर टू की तरफ विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसके दो कारण बताइए आइए चलते हैं इसके दो कारण देख लेते हैं इन यहां से लेकर आपको ये तीन आपको यहाँ पर दे रखे हैं इनमें से आपको कोई भी दो लिखने हैं आपको यहाँ पे जो रखे हैं, दो जो लाल और हरे में दो पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ आप अपने जीवन में प्रयोग करे करने वाले किन्हीं पांच वस्तुओं का नाम बताइए जो आप विनिर्माण उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं जो आपके हाथ में फोन हो गया या कोई भी चीज हो गई आपके खाने की चीजें हो गई वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो वर्कशीट में दे रखी है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे चीनी दे रखी है यहाँ पे कागज दे रखा है यहाँ पे लोहा यहाँ पे यहाँ तक आप इसमें से कोई भी यहाँ पे चार पांच आप आइटम लिख सकते हैं तो आइए चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ प्रश्न नंबर चार है आपके शहर या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग है तो आपके आसपास जो है वो आप लिख सकते हैं मैंने दो चार एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं दिल्ली के आसपास के तो मारुति सुजुकी हो गया एम हो गया और टाटा स्टील हो गया तो ये हो गई आपके यहाँ पे सेम हिंदी में वर्कशीट अब आगे चलते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ हेलो स्टूडेंट्स आइए अब जल्दी से आपकी इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव ये फर्स्ट सितंबर की आपकी वर्कशीट है तो ऑलरेडी एक वर्कशीट आप कर चुके हैं इस पोयम पर जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी ही वर्कशीट में आ, ऑलरेडी जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था वही यहाँ पर आपको ये पोयम दी गई है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो अगर आपको ये पोयम समझनी है और इसकी डिटेल समझनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए इस वर्कशीट के ऊपर और फिर आपको अच्छे से ये पोएम समझ आ जाएगी अब मैं जल्दी से इस इस वर्कशीट में क्या है मैं वो देख लेती हूँ और आपको वो समझा देती हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है लास्ट वीक यू आंसर्ड समेटेड टू द गिवन पोएम तो ये जो पोएम है टाइगर इन द जू उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे उनका आपने आंसर किया था आपने पोयम भी समझी थी दिस वीक यू विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेज यूज बाई द पोएट तो पोएट जो है कवि जो है वो कवि या कवित्री जो है वो पोएटिक डिवाइसेज कौन से यूज करते हैं एक पोएम में वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा इस वर्कशीट में तो किस तरह के पोएटिक डिवाइसेस है कुछ किस तरह के ऐसे एलिमेंट्स है पोएम में जिससे कि पोएम जो है और अच्छी लगती है और इंटरेस्टिंग बनती है और ज्यादा सुनने में उसे मजा आता है पढ़ने में मजा आता है तो वो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे तो पहला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर बताया गया है वो है परसोनिफिकेशन तो उसका मतलब होता है गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू ह्यूमन तो ऐसी चीज जो human नहीं है ह्यूमन मतलब कि आप और मैं और जो भी लिविंग uh, ह्यूमन है uh, कोई लड़का कोई लड़की या कोई और उनके कैरेक्टर अगर किसी ऐसे को दे दिया जाए जो ह्यूमन नहीं है मतलब कि अगर कोई कुर्सी मेज या नॉन लिविंग चीज जो है या फिर कोई एनिमल जो है उसको अगर ह्यूमन uh, की तरह बना दिया जाए इंसान की तरह उसको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाए उसको परसोनिफिकेशन कहा जाता है तो इसमें यह भी होता है कि जैसे uh, बोला कि बादल गुस्से से गरज रहे थे तो अब बादल जो है बादल क्या है बादल तो जैसे एक तरह से एयर जो है इकट्ठी हो गई है साइंटिफिक फिनोमिना है अब उसको अगर आपने एक ह्यूमन का इमोशन दे दिया है कि भाई उसे गुस्सा आ रहा है बादल को गुस्सा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बादल को यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया गया है उसको एक इंसान की तरह इमोशन दे दिया गया है इंसान की तरह व्यवहार करते हुए उसको दिखाया गया है तो ये परसोनिफिकेशन होता है दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज होता है जनरली और इस पोएम में भी यूज हुआ है वो होता है रेपिटेशन तो इसमें जो है पोएट जो है रिपीटिंग वर्ड्स यूज करता है ये दिखाने के लिए कि वो जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बार बार कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट किया जाता है एक पोएम में एक तो इससे एक काम ये होता है कि पोएम में एक रिदम सी आ जाती है एक लय सी आ जाती है एक मधुरता आ जाती है वहीं साथ ही साथ वो जब वर्ड बार बार आता है तो आपको पता चलता है कि पोएट जो है वो आपका ध्यान उस वर्ड की तरफ खींचना चाह रहा है और कह रहा है कि ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोएम में तो ये जो पोएटिक डिवाइस है इसको रेपिटेशन कहते हैं फिर तीसरा पोएटिक डिवाइस है इमेजरी तो इमेजरी में क्या है पोएट वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड तो इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें पोएट जो है ऐसे वर्ड्स ऐसे शब्द यूज करता है जिसमें आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है तो वो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं कि दिमाग में एक बहुत ही विविड बहुत ही सुंदर से पिक्चर अपने आप क्रिएट हो जाती है जब आप वो शब्द पढ़ते हैं पोयम में फिर एक और जो है मैं पहले आपको ये वाला बता देती हूँ एक है यहाँ इलिट्रेशन तो ये भी आप कर चुके हैं हिंदी में आप इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं तो इसमें रेपिटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स तो इसमें पोएट क्या करता है कि कुछ साउंड्स को जो है वो बार बार रिपीट करता है या कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है और आ, उससे क्या होता है एक उस उस तरह की साउंड की जो रेपिटेशन होती है उससे एलिट्रेशन बनती है और अगेन एक रिदमिसिटी आती है एक रिदम सी बन जाती है पोयम में तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं उस पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो रिपिटेशन और एलिट्रेशन है दोनों में ये फर्क है कि रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है या पूरी लाइन बार बार रिपीट होती रहती है एज इट इज लेकिन एलिट्रेशन में ये होता है कि कुछ साउंड्स होती हैं और वो बहुत ही आस पास होती हैं तो बैक टू बैक वो साउंड्स आती है तो बहुत अच्छा सा एक रिदम उसमें बनता है जैसे स स करके बनता है अभी हम पोएम में इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा लास्ट चीज यहाँ पर आपको बताई गई है राइम स्कीम राइम्स की मैं एक और पिछली पोएम हमने की थी रॉबर्ट फ्रॉस की पोयम उसमें भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ तो राइम्स की ये होती है कि पोएट यूजेस वर्ड्स विथ सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम तो सिमिलर साउंड की जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिससे कि पोएम में एक म्यूजिकल सा इफेक्ट आता है एक बड़ा अगेन रिदम सी आ जाती है पोएम में तो एंड में जो है जो वर्ड्स होते हैं उन, उनकी जो साउंड uh, है वो सिमिलर होती है एक जैसी होती है तो उसे एक लय सी बनती है जैसे अगर आप गाने में सुनते होंगे तो गाने कुछ नहीं है एक तरह से पोएम को अगर आप म्यूजिक दे देते हैं तो वो गाने बन जाते हैं तो गानों के जब आप लिरिक्स ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो एंड के वर्ड्स है उनकी बहुत ही सिमिलर साउंड होती है तभी वो एक म्यूजिकल इफेक्ट उसमें आता है तो अब चलते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिए गए हैं तो क्वेश्चन यहाँ आपको दिए गए हैं इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइस और डिवाइस यूज बाय द पोएट तो पोएट ने यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है वो आपको बताना है तो so, वो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से लिख कर बता देती हूं तो so, पहला जो है आपका यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन ये है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स इस लाइन में पोएट ने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है यहां लिखा है नेम बोथ द डिवाइसेज यूज यहाँ लिखा है कि जो दो डिवाइस यहाँ यूज किए गए हैं आपको दोनों का नाम लिखना है मेरे हिसाब से यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन तीन पोएटिक डिवाइसेस नजर आते हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कौन से वो पोएटिक डिवाइसेज है तो पहला पोएटिक डिवाइस तो यहाँ पर है आ, सबसे पहला आप देख सकते हैं एलिट्रेशन ठीक है अब एलिट्रेशन कैसे देख सकते हैं आप कैसे क्योंकि स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स तो देख सकते हैं आप स बहुत रिपीट हो रहा है तो रिपीटन ऑफ साउंड स तो स्टॉक्स एस और एस स्टॉक्स में हिज में एस है और फिर एस और एस तो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स तो देख सकते हैं आप सुन सकते हैं आप इसको कि कैसे स स रिपीट हो रहा है तो so, ये एलिट्रेशन है अब दूसरा पोएटिक डिवाइस यहां पर क्या है तो so, दूसरा पोएटिक डिवाइस यहां पर है इमेजरी इमेजरी क्यों है क्योंकि जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी सी विविड जो है टाइगर की इमेज आपके दिमाग में आ जाती है आपके दिमाग में जैसे ही आप ये पढ़ते हैं तो एक इमेज आती है कि एक टाइगर है जिसकी स्ट्राइप्स है जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई हैं और वो स्टॉक कर रहा है मतलब कि वो चल रहा है बहुत ही छुपता छुपाता सा चल रहा है और किसी का पीछा कर रहा है तो ये वाली इमेज जो है पोएट ने ये अ, हमारे दिमाग में रीडर्स के दिमाग में बनाने की कोशिश की है इन वर्ड्स से तो इमेजरी भी यहाँ पर आती है अब तीसरा जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि पर्सोनिफिकेशन तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर है क्यों है क्योंकि यहाँ पर पोएट ने ही यूज किया है तो वैसे तो टाइगर जो है एक एनिमल है और उसके लिए इट यूज होना चाहिए लेकिन पोएट जो है वो टाइगर को ह्यूमन इमोशंस दे रहा है इंसान जो फील करता है वो वो वाले इमोशंस दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर ही जो है यूज हुआ है तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है आपको दो लिखने को कहा गया है तो आप एलिट्रेशन और इमेजरी लिख सकते हैं लेकिन आप चाहें तो साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन भी लिख सकते हैं अब चलती हूँ मैं आपके सेकेंड सेंटेंस पर तो सेकेंड सेंटेंस आपका कहता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज तो यहां पर यहां पर कौन सा यूज हुआ है तो अगर आप ध्यान देंगे तो कौन सा हुआ है यहाँ पर जरा सोचिए तो तो जी हाँ आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो यहाँ पर दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं क्वाइट और क्वाइट दो बार इस वर्ड को रिपीट किया गया है तो इसको क्या बोलते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सही ये है रेपिटेशन तो रेपिटेशन का पोएटिक डिवाइस यहां पर यूज हुआ है आपके सेकेंड सेंटेंस में तीसरा सेंटेंस है आपका बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है यूज हुआ है तो ही यहां पर है उसे लॉक कर दिया गया है तो थर्ड में आपका पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है परसोनिफिकेशन तो यहाँ पर उसको परसोनिफाई किया गया है अगेन उसको ह्यूमन की तरह उसको रिप्रेजेंट किया गया है ही यूज कर कर टाइगर को तो इसलिए उसका परसोनिफिकेशन है तो यहाँ पर साथ ही साथ लॉक्ड इन अ अंक्रीट सेल तो क क की भी यहाँ पर साउंड है आप चाहे तो इसको एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं लेकिन मेन यहाँ परसोनिफिकेशन ही है तो ये आपका यहाँ पर ये वाला पोएटिक डिवाइस हो गया अब चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज तो राइम स्कीम यहाँ पर जो यूज की गई है वो आपको बतानी है तो आपको चूज करना है पहला ऑप्शन है आपके पास ए बी ए बी दूसरा ऑप्शन है आपके पास सी बी तो मैंने एक और वर्कशीट में आपको बताया था कि हम इसको कैसे करते हैं तो आ, मैं आपको अब बता देती हूँ यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल दे देती कि इसको राइम स्कीम को कैसे किया जाता है तो पहला जो है राइम स्कीम हमेशा ऐसे देखी जाती है कि जो यहाँ पर पहला सेंटेंस है उसकी जो लास्ट साउंड है उसको फिर हम एक लेबल दे देते हैं एक तरह से एक नाम दे देते हैं उसको तो नाम हम देते हैं ये लेटर ए बी सी डी ऐसे करके हम उसे नाम देते हैं तो पहला जो है He in his vivid stripes. तो ये जो जो है, है, अब साउंड इसको हम बता बना देते हैं ए। तो ये आपका पहला साउंड हो गया ए अब सेकेंड यहां पर पढ़ते हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज तो स्ट्राइप्स एक साउंड है केज एक साउंड है दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए हम इसको नया नाम देंगे वो देंगे बी तो ए बी हो गया यहाँ पर फिर थर्ड सेंटेंस है आपका ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट अब देखिए क्वाइट जो है वो ना केज से मिलता है ना स्ट्राइप से मिलता है तो इसलिए ना तो हम उसे ए बुलाएंगे ना बी बुलाएंगे हम उसे सी बुलाएंगे तो हम उसे नया नाम दे देंगे सी ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं कि ये मैं यहां वर्ड्स की बात नहीं कर रही हूं मैं वर्ड्स के साउंड की बात कर रही हूं कि वो सुनने में कैसे है स्ट्राइप्स केज क्वाइट तो आप देखिए तीनों साउंड जो है एंड की जो साउंड है वो अलग अलग है लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं वो है इन हिज क्वाइट रेज तो रेज और यहां पर आप देखिए कौन सी साउंड है स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज अब देखिए रेज और केज की जो एंडिंग साउंड है वो एक जैसी है तो एज उसमें आ रहा है तो केज की जो साउंड थी हमने उसको नाम दिया था बी तो यहां पर रेज की जो एंडिंग साउंड है जो लास्ट की साउंड है वो भी सेम है तो इसलिए हम उसको भी बी ही बुलाएंगे और ऐसे बनती है एक पोएम की राइम स्कीम तो ऐसे आप बताते हैं कि राइम स्कीम कैसी है एक पोएम की तो इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है राइम स्कीम ऑफ दिस टैंजा इज ए बी सी बी ठीक है तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर है उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए इस पोएम को डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वर्कशीट देखिए जो इस पोएम पर बनी हुई है वो वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा उनको सभी को अच्छे से कंटेंट समझ आ जाए आज के लिए इतना ही है थैंक यू